जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। अभी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, बंदे घबराए हुए भी हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है, कुछ कहीं अपने फ्रेंड सर्कल से जानकारी मिल रही है, तो काफ़ी बंदों के कमेंट्स भी आए हैं, फ़ोन कॉल भी कर रहे हैं कि सर क्या अभी अप्रैल में सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, और भी जो आपके भाई हैं उनको सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, खासकर जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कि अभी तक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई न्यूज वगैरह नहीं आया कि पहले रिटर्न होगा। हाँ, हमारे एक जनरल साहब ने एक ट्वीट किया था, और कुछ एबीपी न्यूज की भी कुछ कोई कटिंग है, जो बंदा जो हमारे जनरल साहब नरोड़े साहब की डाल के जो वायरल कर रहे हैं, तो वैसा अभी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा अभी तक कुछ रिटर्न में नहीं लिखा गया है कि अप्रैल में पहले रिटर्न होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। ये मैं 2013-14 से सुन रहा हूं, जब मैं ऑन ड्यूटी फौज में था तब भी मैं सुन रहा था कि पहले आर्मी के अंदर रिटर्न होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप इसको 50-50 लेके चलो, 50% लेके चलो, हो भी सकता है, 50% लेके चलो, नहीं भी हो सकता। जब तक कोई हमें रिटर्न में या कोई सबूत नहीं मिल जाएगा, जब तक हम नहीं मान सकते कि पहले रिटर्न होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं अपना जो 40 साल का मेरा उम्र का तजुर्बा है, 18 से 20 साल मेरा आर्मी का तजुर्बा है, और मैं जो अभी डिफेंस अकेडमी चला रहा हूँ उसका जो तजुर्बा है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, कि पहले रिटर्न भी हो सकता है। ऐसे तो हम एक न्यूज ये भी सुन रहे थे 2-2.5 साल पहले, अग्निवीर एक तरह की एक लॉन्च होगा, और अभी फिलहाल लॉन्च हो गया, ये लागू हो गया अग्निवीर, तो हो सकता है कि ये लागू कर दिया जाए। तो अभी आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यदि कोई बंदा जीडी के अंदर जा रहा है, इंडियन आर्मी में जीडी ट्रेड्स में जा रहा है, तो मेरे भाई 10th लेवल के ही उसमें सवाल जवाब आएंगे, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के आएंगे, और 10th आपने पास करी है, उसी बेस पे आप आर्मी के अंदर जा रहे हो। यदि कोई क्लर्क है, टेक्निकल है, एनए, तो वो सब्जेक्ट 12th में उसने पढ़े हैं, और वही आपको फौज में पूछे जाएंगे जब आपका रिटर्न होगा। तो इसको ज्यादा आप रॉकेट साइंस या कोई बम का गोला लेके क्यों घूम रहे हो। जैसे अभी मैंने डिफेंस एकेडमी, अभी मैंने रिटर्न की तैयारी शुरू करवा दी है, कि भाई हो सकता है, इसलिए मैंने रिटर्न की तैयारी करवा दी, उसके साथ फिजिकल भी चल रहा है और मेडिकल हो जाता है, हमारा खाना पीना रहना है। तो आप यदि कोई बंदा घर पर तैयारी कर रहा है, तो आप फिजिकल भी करते रहो, साथ में आप घंटा, 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपके पास टाइम है, आप अपना उस लेवल का आप किताब पढ़ते रहो। किताब भी मैं बता देता हूं, जैसे राम सिंह यादव की, एसके की है, ल्यूसेंट की है, अध्ययन की, इन तीनों में से ही लगभग क्वेश्चन आते हैं, खासकर हमारे जो आर्मी के पेपर आते हैं, तो आप उसमें से वो पढ़ लीजिए, किताब लिए, 100-150 रुपए की आपको किताबें मिल जाएगी, टोटल 300-400 की, तीनों बुक्स लेना चाहते हो 400-500 रुपए के, 500 रुपए के अंदर अंदर वो बुक्स आ जाएगी, और आपको उसमें काफी अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं बोल सकते कि पहले रिटर्न होगा नहीं होगा, लेकिन तैयारी उस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, 50-50 मान के चलो, फिजिकल भी करते रहो, साथ में आप घंटा, 2 घंटा 3 घंटा जितना आपको टाइम मिलता है, उस हिसाब से आप अपनी रिटर्न की भी तैयारी करते रहो। तो यह कहने का मतलब था, कोई इसमें कोई घबराना नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा सो होगा, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप फिजिकल हो, चाहे पहले रिटर्न हो, चाहे मेडिकल, कुछ भी हो, जो होगा वो प्रोसेस सेम होना ही है, कोई पहले होगा या बाद में होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो शायद आप लोगों को, काफी बंदों का जो डाउट्स था, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर देना, और भी आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, और आपका कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर दीजिए। आपका दोस्त शिवरतन सिंह, जय हिंद, जय भारत।